हमीरपुर शहर उस समय आर्मी की छावनी में तब्दील हो गया जब आर्मी के जीओसी इन बेस्टर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ने औचक पॉलीक्लिनिक का दौरा किया। हमीरपुर के एनआईटी अनुमैदान में लेफ्टिनेंट जनरल परम वरिष्ठ सेवा मेडल सुरेंद्र सिंह सेना हेलीकॉप्टर से उतरे और पॉलीक्लिनिक हमीरपुर में पहुंचे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल ने पॉलीक्लिनिक का दौरा किया तो वहां पर मौजूद मरीजों से समस्याओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही पॉलीक्लिनिक के सालों से डॉक्टरों की समस्या को दूर करने का आश्वासन भी दिया। लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल के पॉलीक्लिनिक में समस्याएं बनी हैं जिनको दूर करने के लिए दौरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मरीजों से मिलकर भी समस्या के बारे में जानकारी हासिल की है जिन्हें जल्द दूर किया जाएगा। जैसे आप जानते हैं हिमाचल में बहुत सारे लोग फौज में हैं और वेटरन्स जो हैं हिमाचल में खासतौर पर इस इलाके में कांगड़ा हमीरपुर सरकाघाट ऊना बहुत ज़्यादा नंबर में हैं और ये हमारी फौज की जिम्मेवारी है कि हम हमारे जितने भी वेटरन्स हैं उनकी देखभाल करें। इसी के लिए हमने ECS पॉलीक्लिनिक खोले हुए हैं। तो मैं देखने के लिए आया था कि ECS पॉलीक्लिनिक यहाँ का है, कैसे चल रहा है। मैंने देखा कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर्स की कमी है, वो हम पूरी करेंगे। और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कैसे हम हमारे जवानों को जो रिटायर होकर चले गए घर में उनकी मेडिकल की देखभाल कर पाएँ, उनको कैंटीन का सुविधा ठीक से देख पाएँ और भी किसी किस्म की तकलीफ को हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो इसीलिए मैं आया हूँ उनसे मिलने के लिए और देखने के लिए क्या है, एक बार खुद देख लो तो पता लग जाता है क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में और भी पॉलीक्लिनिक खोले जाने की योजना है और जल्द ही सुजानपुर में पॉलीक्लिनिक खोला जाएगा ताकि पूर्व सैनिकों को इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े। हाँ, और भी पॉलीक्लिनिक खोले जाएंगे। अभी क्या है, सरकार के पास प्रोजेक्ट गया हुआ है, जितने पहले बने थे उतने अभी बन गए हैं। पूरे आर्मी के अंदर हमारे पास कोई 200 के करीब पॉलीक्लिनिक है, लेकिन जरूरत महसूस हो रही हो कि और भी जगह खोलने चाहिए क्योंकि दो पॉलीक्लिनिक के बीच में 200 किलोमीटर का फर्क है कई जगह पे, तो नज़दीक होने चाहिए। तो वो जैसे ही गवर्नमेंट सेंक्शन करती है और खोले जाएंगे। नहीं, ऐसे में कोई एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं मालूम होगा कितने हैं, लेकिन हमने ये हिसाब लगाया है कि कहीं से भी किसी भी जहाँ पर ज़्यादा एक्सर्स रहते हैं उनको अपने घर से 50-60-70 किलोमीटर के अंदर पॉलीक्लिनिक मिलना चाहिए ताकि बहुत दूर जाना न पड़े। लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह ने पॉलीक्लिनिक में डॉक्टरों और दवाइयों की कमी पर कहा कि पॉलीक्लिनिक में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा रहा है और दवाइयों की भी पूरी डिमांड को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में सैलरी के कारण एक्सपीरियंस डॉक्टर मिलने में दिक्कतें पेश आ रही हैं जिन्हें जल्द दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेनरिक दवाइयां ही पॉलीक्लिनिक में मिलती हैं और इस वजह से मरीजों को समस्या होती है क्योंकि महंगी दवाइयां पॉलीक्लिनिक पर उपलब्ध नहीं होती हैं। नहीं, ये हमीरपुर का प्लान जो है ये काफी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें कोई स्पेशल रिपेयर की जरूरत है जो हमने बताया है करेंगे। यहाँ डॉक्टरों की कमी है तो डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर जो सैलरी फिक्स्ड है सरकार ने तो डॉक्टर कम है। तो हमने बताया भी, एक तो हम हायर कर रहे हैं स्टेट में और कोशिश करेंगे और डॉक्टर आने की। यहाँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यहाँ डॉक्टर कम है और एक डॉक्टर कल से आ जाएंगे और तो दो हो जाएंगे, आज अभी तो एक ही हैं और अगले 15-20 दिन में कोशिश करेंगे एक आध और डॉक्टर दे पाए। नहीं, दवाइयाँ ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, हमारे एम्पैनल्ड क्लिनिक हैं। दवाइयों का प्रॉब्लम क्या रहा है ना, जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में हमारे जाते हैं रोगी, वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में प्राइवेट जो डॉक्टर होते हैं वो ब्रांडेड मेडिसिन प्रस्क्राइब कर देते हैं और हमारे गवर्नमेंट के सिस्टम में ये है कि कोई ब्रांडेड मेडिसिन नहीं दी जाती है। तो हम क्या करते हैं कि उसने कोई मेडिसिन लिखी होगी, अगर मरीज कहे कि मेरे को यही मेडिसिन चाहिए तो वो नहीं दे सकते, लेकिन वही उसकी जो जेनरिक इक्विवेलेंट जो है सॉल्ट वो हम देते हैं। तो कई बार लोगों को ऐसा हो जाता है कि दवाई नहीं मिल रही है, दवाई मिलती है लेकिन वो ब्रांडेड मेडिसिन खास उसी नाम की नहीं हम दे पाते हैं क्योंकि वो बहुत महंगी मेडिसिन है। लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह ने पॉलीक्लिनिक में मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार पर कहा कि पॉलीक्लिनिक पर ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पॉलीक्लिनिक पर मरीजों को पूरी सुविधा देना स्टाफ का कर्तव्य है। ये स्टाफ आपके सामने है, मेरे जाने के बाद वो स्टाफ से पूछेगा, आपको जवाब देंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए, हम सब का मकसद है कि लोगों की देखभाल करना, एक वेलफेयर मेजर है, वेलफेयर स्कीम है ये। लेकिन कई बार होता क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, काम करने वाले कम हो तो कभी
हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस इलाके में हमें डॉक्टर नहीं मिल रहे, पंजाब में हमें डॉक्टर की कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस इलाके में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है डॉक्टर्स की, सैलरी के कारण। सैलरी का कारण, दूसरा क्या है, एज रिस्ट्रिक्शन है ना कि भाई 65 साल की उम्र तक ही होना चाहिए। अगर ज्यादा उम्र का डॉक्टर होगा उसकी हम सैंक्शन दिलवा देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर एज ज्यादा भी है तो आप उसको रख लो। तो एक केस क्या आया हुआ है हमारे पास, तो हमने बोला उनको कल से ही आप एम्प्लॉय कर लीजिए, हम सैंक्शन दिलवा देंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक एक्सपीरियंस डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि जो फ्रेशर डॉक्टर आते हैं ना उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, उनको एक दूसरे डॉक्टर के नीचे काम करना होता है। तो हम फ्रेशर डॉक्टर ले सकते हैं, है ना, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो गलत दवाई देगा, तो उसको दूसरे डॉक्टर के नीचे 3-4 साल काम करे तब एक्सपीरियंस मिलता है।